पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब विधानसभा में पहला बजट पेश किया था तो उस समय दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था, जो आज 75,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। 30,000 करोड़ का बजट होता था, इसी विधानसभा में पहला बजट पास किया था 30,000 करोड़ का, और उससे पहला बजट जिस बार मैं वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया उससे पहला बजट रिकॉर्ड है विधानसभा का, उठा के देख लीजिए 25,000 करोड़ का बजट था, और उससे पहले के बजट जो थे वो कभी 24,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़। पिछले 5-7 साल हमारे आने से पहले देखेंगे तो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पहुंचने में 5-7 साल लगते थे बजट को, लेकिन केवल 5 साल के अंदर अंदर 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। अगर बेईमानी करनी होती तो उसमें से अगर 0.001% कर देते मेरी पार्टी के कई साल के लिए फंड इकट्ठा हो जाता अध्यक्ष महोदय, लेकिन नहीं करनी थी, इसीलिए 30,000 करोड़ का जो बजट था वो धीरे धीरे करके ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन करके, ईमानदारी से नीतियां बनाकर, ईमानदारी से खर्च करके उसको किया, तब 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा।